സത്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. है हेलो वेलकम बैक गाइस, ब्रांड न्यू वीडियो से मैं आकाश के साथ। तो गाइस आज मैं फिर से ले आ चुका हूँ कुछ ऐसी मूवीज जिनको देखने के बाद आपका दिमाग भी कहेगा क्या बात है। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक से जरूर से देखना। वीडियो में कुछ ऐसी मूवीज है जिनको देखने के बाद आपका दिमाग सच्ची में कहेगा क्या बात है। ये सारी की सारी मूवीज जो है हिंदी में अवेलेबल, तो लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी में अवेलेबल ना होगी तो सबटाइटल के साथ तो डेफिनेटली दे दूंगा मैं इन मूवीज को। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अपने काउंटडाउन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नंबर 5 पे जो मूवी है उसका नाम है, इस मूवी का नाम है दिलू को धाकुड़ू, और ये मूवी आई थी सन 2016 में, और एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मजेदार। मूवी के IMDb के बारे में बात कर ले तो IMDb पे मिले हैं 5.3 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर्स ने 88% लाइक दिए हैं। कास्ट एंड क्रू के बारे में बात करें तो स्क्रीन पे डाल दिया, पॉज करके देख लेना यार। अभी हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर अपने को दिखाया गया है कि कुमार और काजल जो रहते हैं दोनों लवबर्स रहते हैं, और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, पर काजल का जो फादर रहता है उसको ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं रहता, तो इसकी वजह से वो मनी नाम के एक बंदे को हायर करता है कि अपने हीरो को मारने के लिए, और वो एक भूतिया घर में इनवाइट करता है इन सबको उसको मारने के लिए। तभी मूवी का मेन प्लॉट खुलता है। आपको मेन प्लॉट जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी, जाके जरूर से मूवी को चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं अपने अगले मूवी के बारे में। अपने नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है निसल। ये हाल ही में 2021 में ही रिलीज हुई है, एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मूवी के IMDb के बारे में बात कर ले तो IMDb पे मूवी को मिले हैं 6.4 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर्स ने 84% लाइक दिए हैं। कास्ट एंड क्रू के बारे में बात करें तो स्क्रीन पे डाल दिया, पॉज करके देखना यार। अभी हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर हमने को दिखाया गया है कि जॉन नाम का एक जज रहता है, और वो कोई इसी एक्सीडेंट के बाद अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एक नितिन नाम का एक लड़का दिखाया गया है, जो नितिन एक कहानी बताता है कि उसके अंदर कैसे कैसे कुछ लोगों के मर्डर हो जाते हैं, वो ट्रू होता है। और उसके बाद मूवी की कहानी क्या क्या मोड़ लेती है आप जाके ज़रूर से मूवी को चेकआउट करके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मूवी है, आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए इस मूवी को, और भाई बहुत मज़ा आने वाला है इस मूवी को देखने में। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले मूवी के बारे में। अभी अपने नंबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम है विथा। ये आई थी सन 2016 में, और एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसकी भी स्टोरी लाइन है। आपको मूवी देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ये मेरी गारंटी है, जाके एक बार से इस मूवी को ट्राई कर लीजिएगा। IMDb के बारे में बात करें तो 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पे है, और गूगल यूजर्स ने 92% लाइक दिए हैं। कास्ट एंड क्रू के बारे में बात करें तो स्क्रीन पे डाल दिया, पॉज करके देखने लगा यार। अभी हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर अपने को दिखाया गया है कि यहाँ पे एक अभिनेत्री का जो है किडनैप हो जाता है, और वो एक सामने से क्रिमिनल आके वो कन्फेस करता है कि मैंने उसको किडनैप किया है। पर यहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो मान नहीं रहे होते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं अपना। उसके बाद फिर से बंदा आता है, फिर बोलता है मैंने उसको किडनैप किया और मैंने उसको मार दिया है। तो मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर क्या क्या होता है आप जाके एक बार से ज़रूर से मूवी को ट्राई कर लीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले मूवी के बारे में। अपने नंबर 2 पे जो मूवी है उसका नाम है ट्रैफिक। आई थी सन 2011 में, एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मूवी के IMDb के बारे में बात कर ले तो IMDb पे मिले हैं 8.1 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर्स ने 96% लाइक दिए हैं। और कास्टिंग क्रू के बारे में बात करें तो स्क्रीन पे डाल दिया, पॉज करके देखना यार। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर अपने को दिखाया गया है कि एक सुपरस्टार की बेटी का जो है हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है, और एक मरते हुए जर्नलिस्ट के जो पेरेंट्स रहते हैं वो अग्री करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। पर कहानी में ट्विस्ट यही नहीं है, और बिजी जो सड़क रहती है ना, ट्रैफिक वाली सड़क, उससे सड़क को क्रॉस करके जल्दी जाना है और टाइम बचाने के लिए। तो मूवी में क्या क्या होता है आप जाके जरूर से मूवी को ट्रायल कर लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं अपने अगले मूवी के बारे में। अपने नंबर 1 पे जो मूवी है उसका नाम है टेक ऑफ। ये आई थी सन 2017 में, एक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ साथ एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर भी है। IMDb के बारे में बात करें तो IMDb पे मूवी को मिले 8.2 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर्स ने लाइक दिया 94%। कास्ट एंड क्रू के बारे में बात करें तो स्क्रीन पे डाल दिया, पॉज करके देखना यार। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर अपने को दिखाया गया है, यहाँ पे इराक का सीन है, और एक नर्स और एक समीरा नाम की लड़की जो है इराक में टेररिस्ट के बीच में फंस जाते हैं,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर मनोज जो रहता है वो अपने बुद्धि की मदद से इनको बाहर निकालता है, और कैसे कैसे निकालता है और मूवी में क्या क्या ट्विस्ट है आगे आप जाके जरूर से मूवी को ट्राई करके देख सकते हो। यार आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको।